नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अब पाप का घड़ा भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे दुश्मन मिलने वाले हैं जिनके पाप का घड़ा अब भर चुका है। और आने वाले अगले 3 दिनों में आपके जीवन में 4 बड़े हादसे होने वाले हैं। इससे पहले आपने इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो आपको इससे पहले कहीं नहीं मिली होगी। दोस्तों, चिंता से चतुराई घटती है और दुख से घटते हैं शरीर। पाप किए से धन घटे, कह गए दास कबीर। दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला इंसान गलती से भी सुखी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पापों का घड़ा अब भर चुका है और अब होगा एकदम सही फैसला। जी हाँ, सच्चाई जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, आपको इस बात से हैरानी होगी कि आपके जीवन में 4 ऐसे बड़े हादसे होने वाले हैं कि इस समय ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है, ग्रहों में जो बदलाव होने वाले हैं, आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। बता देते हैं इससे कैसे आपको बचना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, करियर कैसे रहने वाला है, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत खास है, महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे के जयकारे ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपको किसी को कोई अपशब्द नहीं कहना है, अन्यथा आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये समय फाइनेंस संबंधित कोई भी कार्य करते समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। भाइयों से संबंधित, बंटवारे संबंधित आदि जो वाद विवाद का हल आपको किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। आपसी संबंधों को आप इस समय बिल्कुल भी ना बिगाड़े। जो युवा वर्ग है वो अपने भविष्य पर, अपने करियर पर या फिर जॉब के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपके लिए जो ये समय होगा, आपको बताते हैं कि कई बार जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि अति उत्साह में आपने जो काम बना रखा है वो आपका बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आप अपने आवेश में और क्रोध में आकर ऐसे काम को ना बिगाड़ें। इससे दोस्तों पारिवारिक रिश्तों में सुख शांति भंग हो सकती है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति पैनी नज़र रखना आपके लिए अति आवश्यक रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, आपके लिए जो समय होगा, आपको अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। किसी साजिश या फिर आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए आपको बता दें कि ये बेहतर उपाय है कि आप ऐसे लोगों से और बुरी संगत से दूर रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपको बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी का मौसम ऐसा बदल रहा है कि इससे आपको दिक्कत हो सकती है, यह आपके लिए आवश्यक होगा। वहीं आपको बता दें कि आपके लिए जो समय होगा, आपको ये बताते हैं कि इस समय भूमि अथवा वाहन से संबंधित कर्ज लेने की योजना बन रही है, तो उसे आपको अपने सामर्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। व्यर्थ के कामों में दोस्तों धन खर्च होने के योग काफ़ी बने हुए हैं, इसलिए आपको इस समय इस समस्या से निजात पाने के लिए अपने आर्थिक मामलों को सुधारना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि इस समय आपके लिए जो समय होगा, दैनिक कार्यों में कुछ आपके व्यवधान आने से चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी स्थिति रह सकती है। आपको अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पैसों के मामले में, अपने आर्थिक तंगी के मामलों में आपको किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करना है। ये बेहतर होगा आपके लिए कि इससे जुड़े सभी निर्णय आपको खुद लेने होंगे, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके व्यवसाय को लेकर के बात कर लें, तो इस समय कारोबारिक हालात देखते हुए आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मंदी में चल रही है, तो आपको अपनी आय से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आपको दिन प्रतिदिन आपकी हालत सुधर रही है, लेकिन आप ये सोचती हैं कि एकदम से सब हो जाए, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, कर्मचारियों के साथ में आपको सामंजस्य बैठाने में आसानी होगी व कर्मचारियों की पूर्ण सहायता भी मिलने वाली है।
आपको अपने साथ में और अफसरों के साथ में रिश्तों में सुधार रहने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपके लिए जो समय होगा व्यापार में, बात कर लेते हैं कि आपका क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस कमज़ोरी पर अपनी विजय हासिल करनी है। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपको क्रोध आए तो आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिएगा और उस क्रोध वाले स्थान से दूर हटकर चले जाइए, क्योंकि क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको क्रोध आए, ईगो आए तो आपको ही नुकसान करेगा, इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस समय गुस्से पर काबू रखना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक या फिर राजनीतिक व्यक्ति से आपको मुलाकात से बता दें कि आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। कई मामलों में आपका स्वाभिमान आपकी उन्नति में रुकावट का कारण बन सकता है, इसलिए आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो समय बता दें कि इस समय आपको अपने घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशी मिल सकती है, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि कोई भी काम यदि आप करते हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह आप अवश्य लें। दोस्तों आपको बता दें इसके साथ ही कि आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है और थोड़ी दिक्कतें भी रह सकती हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक से और अपने बड़े भाई के या फिर अपने बड़ी बहन की मदद से कामयाब निकल रह सकते हैं। और दोस्तों आप हर समस्या का हल उनकी सहायता के द्वारा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि आगे आपके समय में इन 3 दिनों में कार्य विस्तार की योजनाएं बहुत तीव्रशील चल रही हैं, लेकिन आपको इस योजना का पुनर्विचार ज़रूर करना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलत फैसले ले सकते हैं। आपको अपनी बुद्धिमत्ता विवेक से सभी परेशानियों का हल शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढना होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस समय व्यापार में आपको अपना पूरा जो है 100% देने की ज़रूरत है। मार्केट संबंधित व्यक्तियों के साथ में आपको अपने प्रमोशन में लगाना होगा आपका प्रोडक्ट। और दोस्तों आपको बता दें कि कई बेहतरीन संभावनाएं आपके सामने आ जाएंगी। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कुछ प्रमोशन की सुविधाएं मिल सकती हैं, तो दोस्तों आप अपने कामों से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होंगे। आज दोस्तों आपको बता दें कि इन 3 दिनों में देखिए ड्यूटी लग सकती है, लेकिन आपको वहीं पर ही खुश रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जीवन आपका बहुत आराम से चल रहा है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। आपको बता दें कि आप किसी विवाहित संबंधों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। आपको बता दें कि अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर के बता देते हैं तो ये समय मौसमी बीमारियों से थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। त्वचा संबंधित दिक्कतें थोड़ी उत्पन्न हो सकती हैं, आपसे जितना हो सके तो आपको इस समय सावधान और सतर्क रहना होगा। दोस्तों छोटी मोटी समस्याएं तो टल जाती हैं, लेकिन बड़ी समस्याएं छोटी मोटी समस्या से बनती है, इसलिए आप छोटी मोटी समस्या की आनाकानी ना करें, उन समस्या को पहले सुलझा लें जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं भविष्य में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये 3 दिन का राशिफल आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आने वाली कोई भी हमारी नॉलेजेबल इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य लिख करिएगा। दोस्तों इससे महादेव की कृपा आप पर सबसे पहले बरसेगी।